सुंदर है। सो गुड मॉर्निंग गाइस एंड वेलकम बैक टू द चैनल। सो फिलहाल मैं अभी घर पे हूँ एंड जस्ट नाउ मैं अभी जा रहा हूँ टीजू जा रहा हूँ मैं। सो टीजू मेरा दोस्त और एक है मेरा जीजा, तीनों हम लोग निकल रहे हैं अभी। तो मुझे रास्ता पे रुक रही हैं तो मैं अभी पहुंच गया हूँ। ओह माय गॉड, वो मैं इंट्रोड्यूस करना चाहूँगा कौन कौन हम लोग जा रहे हैं। तो ये मेरा दोस्त भाई भी लगता है, हाय किसे, हाय। तो ये है जीजू, हाय, कहाँ जा रहा है जीजू। ओके सो जीजू अभी कितना घंटा लगेगा यहाँ से? डेढ़ घंटा लगेगा। डेढ़ घंटा मेरा। सो अभी हम लोग हाईवे पहुँच गए हैं, जो हाईवे से गुजरते हम लोग जा रहे हैं एंड आप लोग देख सकते हैं। नदी का आप लोग देख सकते हैं, ये पानी वो बिल्कुल ही फ्लैट हो चुका है, आप लोग देख सकते हैं ये। एंड इस तरफ भी आप लोग देख सकते हैं, अभी पहुंच गए हैं हम लोग नमसाई अरुणाचल यूनिवर्सिटी स्थान। तो बाहर से कुछ इस तरह का ही नजारा। फ्यूलिंग करना है, पेट्रोल डालना है, तो दीपू पे पहुंच गए हैं तो फ्यूलिंग कर रहे हैं हम लोग अभी। सो नामसाई चराली हम लोग पहुंच गए हैं। तो इस तरफ जाते हैं दायुन और इस तरफ जा रहे हैं हम लोग टीजू रोइंग चौंगकम गुना नगर। तो गाइस अभी हम लोग पहुंच गए हैं चौंगकम, तो चौंगकम का ब्रिज हम लोग पार कर रहे हैं एंड आप लोग देख सकते हैं ये। देख सकते हैं इस तरफ में भी, तो देखने में भी सुंदर है। तो गाइस मैं आप लोगों को एक अरुणाचल प्रदेश का स्विट्जरलैंड दिखाना चाहूँगा। बहुत ही मतलब सुंदर एक सुंदर जगह ये दिखी। आगे का नजारा मेन व्यू पॉइंट जो है ये सबसे खास वाला जो है ये है ये साइड। तो ये जो स्पॉट है स्पेशली फोटो सेशन के लिए मतलब बहुत ही सुंदर है। तो जो कि मतलब आप लोगों को ये ब्लॉगिंग का तौर पे दिखने से तरह कुछ खास नहीं लगेगा आप लोगों को, बट आप लोग अगर रुक के अगर फोटो सेशंस लेना चाहते हो, फोटो लेना चाहते हो, क्लिक करना चाहते हो, तो ये जो स्पॉट है बहुत ही मज़ा है। सो गाइस मेन पॉइंट में हम लोग पहुंच गए हैं डाइवर्जेंस। सो रोइंग 50 किलोमीटर्स, दिगारू टीजू 17 किलोमीटर जाना है हम लोगों को। अब लेफ्ट एंड राइट है जो कि लेफ्ट जो है रोइंग जाने वाला जो, और राइट जो है हम टीजू जाने वाला, जो कि हम लोग राइट होके जा रही हैं टीजू। सो यहाँ पे शायद चेकिंग वगैरह हो रहा है। सो गाइस चेकिंग चल रहा है, तो अभी चेकिंग तो हम लोग का नहीं हुआ है, जस्ट पूछताछ ही हुआ है। तो अभी हम लोग जा रही हैं और गाइस
तरफ हम लोग क्रॉस कर रही हैं अभी। तो मैं आप लोग को दिखाना चाहूँगा, ये है, ये रहा जिगरू का रिजॉर्ट। फाइनली हम लोग तीजू एंट्री हो चुके हैं। सो गाइस अभी हम लोग पहुंच गए हैं प्रॉपर तीजू। सो जो कि यहाँ पे एक क्लॉक है, वॉल क्लॉक। सो तीजू टाउन का बीचों बीच में है, रास्ता का बीच में है, आप लोग देख सकते हैं। यस गाइस, अभी हम लोग पहुंच गए हैं तीजू। सो राइट में अभी तीजू पे स्टैंड हो चुका हूँ। मेरा ये फर्स्ट टाइम यहाँ पे, तो हम लोग यहाँ पे कार को पार्किंग करके जाएंगे ऑफिस में, तो कुछ काम है। सो ऐसा ही है, तो जस्ट ज़्यादा दूर नहीं आया है हम लोग मेन टाउन, ये वॉल क्लॉक से 50 मीटर ऐसा ही कुछ ही दूरी है। तो आप लोग देख सकते हैं थोड़ा कुछ नज़र आ रहा होगा। तो रिसी ऑफिस DFO ऑफिस आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे, ये वाला शायद इसमें हम लोग का काम होगा। तो सो गाइस अभी हम लोग जा रहे हैं ऑफिस में, शायद तो उसमें कैमरा अलाउ नहीं होगा, ब्लॉगिंग अलाउ नहीं होगा। तो मैं अभी यहाँ पे ऑफ करता हूँ, तो मैं अभी जाता हूँ अंदर पे। तो अंदर में आ चुका हूँ मैं, बिल्डिंग इस तरह कहीं नज़र आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पे कार पार्क हो चुका है गार्डन पे। गाइस DTO ऑफिस आप लोग देख सकते हैं, ये ऊपर में ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आए हुए हैं स्पेशली हम लोग। तो अभी करंट चला गया है, कुछ करंट चला गया, रुकने के लिए बोल रहे हैं, तो अभी हम लोग रुक रहे हैं। ए फ्यू मोमेंट्स लेटर। सो हेलो गाइस, फाइनली हम लोग DTO ऑफिस से हम लोग निकले हैं। तो पीछे में आप लोग देख सकते हैं डिस्ट्रिक्ट सेक्रेटरीट ऑफिस और DDSC का ऑफिस उस साइड में है, आप लोग देख सकते हैं। तो वैसे हम लोग आए हैं DTO ऑफिस में आए हैं, तो ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आए हैं मेरा दोस्त का ऑनलाइन बनाने के लिए। सो फाइनली ये काम जो है कंप्लीट हो चुका है, फाइनली मतलब ये सक्सेसफुल हो चुका है काम। तो अभी हम लोग जा रहे हैं नामसाई, तो नामसाई भी कुछ काम है, तो नामसाई जाके और कुछ वहाँ पे भी मतलब DC ऑफिस में कुछ काम है। अभी हम लोग क्या खा रहे हैं, पॉप खा रहे हैं, क्रीम पॉप। गाड़ी काउंटर में रिफ्रेश कर रहे हैं हम लोग, रिफ्रेशमेंट। सो गाइस फाइनली हम लोग पहुंच गए हैं नामसाई DC ऑफिस। तो आप लोग देख सकते हैं ये नज़ारा। तो लेकिन एक बट कहना चाहूँगा, आज जो है मौसम जो है बहुत ही मतलब गर्म है, एक्सट्रीमली हॉट। तो ये देखिए, ये जो आप लोग देख सकते हैं ना, ये पार्क बना रहा है सामने में, जो कि ऑफिस का बीच में।
तो आप लोग देख सकते हैं नेशनल फ्लैग। तो स्पेशली एक बात कहना चाहूँगा, यहाँ में जो G20 समिट था यहाँ पे हुआ था, तो मैं वो वाला एक बार देखना चाहूँगा। तो ये है G20, आप लोग देख सकते हैं। तो यहाँ पे हुआ था आप लोग देख सकते हैं मेरा पिक्चर G20 लोगो। तो इस बार में G20 समिट हुआ था, यहाँ पे हुआ था, तो आप लोग देख सकते हैं। सो बहुत ही सुंदर सा एक नज़ारा आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे, फंटास्टिक व्यू। सो ये देखिए ये बिल्डिंग आप लोग देख सकते हैं, अंडर कंस्ट्रक्शन है ये भी। और आप लोग देख सकते हैं गाइस, ये जो गार्डन जो है बहुत ही सुंदर है। सामने ऊपर में देखिए, स्काई में देखिए, पूरा क्लाउडी नज़र आ रहा है। एंड देन शायद ये वाला जो पार्क, बीच में भी एक पार्क बना रहे हैं, वाटर पार्क, जो कि उसमें अलाउड नहीं करेगा शायद, तो सही कुछ ही है। हाँ बहुत ही सुंदर है। तो ये पानी वामे हैं, पानी बीच में क्या है, पानी है इसमें, तो ऐसा ही कुछ ही नज़ारा है। तो आगे से पहले से मतलब ये डीसी ऑफिस नामसाई का, डिस्ट्रिक्ट सेक्रेटरीट ऑफिस नामसाई का बहुत ही मतलब ये मतलब मॉडिफाई हो चुका है, बहुत ही मतलब एडवांस हो चुका है, डेवलप हो चुका है। सो दोस्तों अभी हम लोग पहुंच गए हैं नामसाई टाउन, मेन टाउन, जो कि इस तरह का तो एक्चुअली हम लोग जा रहे हैं पोस्ट ऑफिस, तो पोस्ट ऑफिस में कुछ काम है तो अभी जा रहे हैं हम लोग आगे। नामसाई टाउन में पहुंच गए हम लोग, तो मेरा पीछे जो आप लोग देख सकते हैं पोस्ट ऑफिस वही है। तो अभी हम लोग रिफ्रेशमेंट करने के लिए यहाँ पे रुके हैं गेटिंग पे। तो गाइस आई होप आज का ब्लॉग आप लोगों को पसंद आने से लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। एंड अभी तक जिन्होंने भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं और एक नए ब्लॉग पे, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग एवरीवन।